श्रीमान सोमनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 20 दिन से देश के किसान परेशान है और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कह रहे हैं बातें कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, हम किसानों की दुविधा को मिटाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो 3 कानून बनाया गया, मैं बड़े ध्यान सुन रहा था अपने साथियों को, उन्होंने कुछ बातें तो मेंशन की, मैं उन कानूनों को उन प्रावधानों के ऊपर अपने वक्तव्य को रखूंगा जो कि इस वक्त सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है। मैं सीधा आपको ले चलूंगा एक इनका एक कानून, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल 2020 जो एक्ट बन गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो संजीव भाई ने बताई, 5 जून 2020 का तिथि है और जब पूरा देश जूझ रहा था कोविड से, जब केजरीवाल जी या पूरी सरकार लगी हुई थी कोविड को ठीक करने में, जो स्थिति दिल्ली में पैदा हुई थी, जब देश के अंदर लाखों मजदूर साथी सड़कों पे जा रहे थे, पैरों में छाले पड़े थे, तब माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? 5 जून उस वक्त पूरा देश सदमे में था। माननीय मोदी जी उस वक्त अदानी और अंबानी के दलाल निकल रहे थे। यह कानून तब लाया गया जब इस देश को जरूरत कुछ और थी। 5 जून ऑर्डिनेंस के जरिए, जबकि इनके पास फुल पावर है, पार्लियामेंट की अंदर इनके पास शक्ति है, लोकसभा के अंदर राज्यसभा मैनेज कर लेते हैं, उस वक्त लाया गया। क्या जरूरत थी? इस एक सवाल का जवाब अगर भाजपा और मोदी दे दें, देश शांत हो जाए। इसी एक सवाल के अंदर सारे जवाब है। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों कानून जो लाए गए, किसके लिए लाए गए, क्यों लाए गए, किसके कहने पे लाए गए? किसानों ने बड़े आराम से पूछा, भाई किसने मांग की थी, कौन समस्या का समाधान करने लाए थे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सीधा ले चलूंगा इस एक्ट के उस प्रोविजन में जो कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध कर देता है कि ये किसके लिए बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट का जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल जो एक एक्ट बन गया, उसका सेक्शन 13 कहता है, अध्यक्ष महोदय, ये कहता है कि नो लॉसूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद कहता है और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ये एनी अदर पर्सन में कौन आ रहा है? और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और ऑफ एनी रूल्स और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। ऐसा प्रोविजन ऑलमोस्ट सब में रहता है, लेकिन उसमें रहता है सरकार के खिलाफ नहीं लाई करेगा, लेकिन इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये ध्यान देने वाली बात है, साथियों को भी समझ में आना चाहिए। कहता है और नो लीगल प्रोसीडिंग इट विल लाई अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, ये कह दिया। तो साफ साफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जो इनके चुनावों के खर्चे को अफोर्ड करते हैं, जो इनके लिए बड़े बड़े 100-100 करोड़ के स्टेज बनाते हैं, रक्षा मंत्री, जिनके लिए 5 जून 2020 को जब देश जूझ रहा था तब ये दलाली कर रहे थे अदानी और अंबानी की, उसके लिए कर रहे हैं। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर सेक्शन 15 कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरटेन एनी लॉसूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर द कॉग्निजेंस ऑफ विच कैन बी टेकन एंड डिस्पोज ऑफ by any authority empowered by or under this act or the rules made thereunder। तो कोर्ट का भी एक्सक्लूजन कर दिया। मतलब किसान, इनफैक्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग,
क्योंकि इक्वालिटी कैन ओनली बी डिस्कस्ड अमंग इक्वल्स। इन्होंने लाके बराबर कर दिया कि किसान अब जूझ लेंगे, एसडीएम कोर्ट चले जाएंगे, जूझ लेंगे जाकर के। तो एक तरफ तो अदानी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग वो परसों खबर आ रही थी कि 100 एकड़ की जमीन नथौला है ना हरियाणा में, जहां भी हुआ है, 100 एकड़ की जमीन 2017 में किसानों से धोखेधड़ी से ली गई अदानी के द्वारा। पूरी हरियाणा सरकार खड़ी है। तो 17 में जब ये शुरुआत की गई और 20 में कानून बनाते हैं, इसका मतलब पूरी कॉन्स्पिरेसी है। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने इस देश को धोखा दिया कि भारत माता की रक्षा करने आए हैं, उस व्यक्ति ने एक एक करके सब कुछ बेच डाला, और जब हाथ रखा फार्मर्स के ऊपर तो नेचुरल सी बात है, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है, जो कृषक है, जो पंजाब हरियाणा और अन्य राज्यों के कृषक हैं, वो शांति से नहीं बैठने वाले। अध्यक्ष महोदय, 5 जून को ऑर्डिनेंस लेके आए, 14 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में इसको लॉ बनाने के लिए लेके आए, तो सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान दिया हुआ, इस संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई। जब सदन के अंदर, आपके यहां भी, जब कोई मांग ले कि भाई हमको तो वोटिंग कराना है, तो वोटिंग कराना पड़ेगा, लेकिन आनंद फानन में ध्वनि मत से पास करा दिया। हमारे सारे संजय सिंह का जितने भी संसद के अंदर बैठे हुए थे, सबने बातें रखी, किसी ने ना सुनी, और आनंद फानन में इन तीनों काले कानूनों को, काले बिलों को कानून का रूप दे दिया गया, और 27 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो कानून बन गया। अरे महोदय, इस देश में बोलने वाला कौन? इनके पास सबकी फाइलें हैं। कैप्टन अमरिंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले जब बोलने के प्रयास किया, वैसे तो जो केजरीवाल साहब ने कहा, वैसे उन्होंने असेंट दे रखी थी, अकालियों के मंत्री ने भी असेंट दे रखी थी, जब पोल खुल गई तो बाद में कहता है हम इसके अपोजिशन में खड़े होंगे। तो हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और है। पहले कोहबर में बैठ करके आपने साथ दिया, किसानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची, और जब थोड़े से बोले तो लगा बोलना तो पड़ेगा। 27 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर जी के बेटे को ईडी का समन भेज दिया। जब समन भेजा तो दौड़े दौड़े आए, किसके पास आए? माननीय अमित शाह जी के पास है। बोले भैया हमको माफ करो, हम किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे, माफ कर दो, कृपया करके ये समन वमन जो भेजा है उसको वापस ले। लेकिन जब केजरीवाल जी ने पहले दिन से, बड़ा जिगरा चाहिए आज के तारीख में, मतलब मैं तो कहता हूं कि बार बार मोदी मौका देते हैं हमें कि अपना हम सत्ता स्थापित कर सकें, जैसे ही केजरीवाल जी को कहा कि भाई 9 स्टेडियम दे दो, उन्होंने देख लिया हो, और हमारे अपने दिन सारे स्ट्रगल के हैं, उनके सारे संघर्ष के दिन गुजरे, और परमात्मा उनको और शक्ति दे। आज तक उनका जो जिगरा पहले का था और कई गुना बढ़ा है, घटा नहीं है। ये तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री ने बार बार उस परिचय, उस चीज का परिचय दिया है जिसकी कि हम सब एक तरह से लालसा रखते हैं कि भाई हमारा नेता 24 कैरेट सोने से भी बेहतर। जब उन्होंने 9 स्टेडियम कहा जेल बना दो, जब माननीय केजरीवाल साहब ने पैर रख दिया, कहा कि ये अंगद का पैर है, अब ना उठ रहा, मैं ना बना रहा, तुम जो चाहे कर लो। जबकि उनको मालूम था कि दिल्ली अधूरा राज्य है, इनकी बार बार हमें लेनी पड़ती है साथ। लेकिन मैं सलाम करता हूं उस शख्स को जिसने किसानों के फेवर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और कहा कि नहीं बनाते जेल, और उल्टा क्या किया, सबको बुलाया और बोला कि भैया जाओ वहां जहां किसानों को रोक लिया है इन लोगों ने, जाओ बगैर टोपी के, बगैर पट्टे के, बगैर बताए कि तू विधायक है कि सांसद है कि पार्षद है कि किस पार्टी से है, सेवादार बन के सेवा करो। इतिहास लिखा जाएगा जब देखा जाएगा, एवेल्युएट करेंगे उस इतिहास का। अध्यक्ष महोदय, जब सब पार्टियां की सिट्टी पिट्टी गुम थी, जब कैप्टन अमरिंदर की सिट्टी पिट्टी गुम थी, तो केजरीवाल की तरफ पूरा देश देख रहा था कि किस कदर जाता है ये फ्रीडम मूवमेंट, ये फार्मर्स का फ्रीडम मूवमेंट। अध्यक्ष महोदय, एक किसान का जो एक, मुझे लगता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आज पूरी फार्मिंग, आज
एक तरह से खतरे में है कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो मित्र है माननीय मोदी जी के उनके हाथ जाता है कि नहीं जाता है। तो दो सप्ताह पहले जो ये आदेश दिया था उसके बाद फिर एक मौका आया जब केजरीवाल जी अकेले वो शख्स हैं जो गए वहां पे और जाकर के कहा कि मैं सेवादार के रूप में आया हूं, मैं सीएम के रूप में नहीं आया हूं। गुरु साहबान उनको आशीर्वाद दें, कहा सेवादार के रूप में आया हूं और कहा कि भैया जो कोई भी कमी है बताओ। और जिस दिन ये बात जिस दिन वो वहां गए अगले दिन उनके घर के आगे दरवाजे के आगे आके बैठ गए मेयर साहब। और अगले दिन जब हमारे साथियों ने कुछ दिनों के बाद प्रयास किया कि जाके अमित शाह घर जाके बाहर बैठे, एलजी के गेट के बाहर जाके बैठे, तो देश में दो कानून हो गया, एक सीआरपीसी तुम्हारे लिए एक हमारे लिए। तुम्हारे सीआरपीसी में लिखा है कि तुम जाकर बैठ सकते हो, केजरीवाल जी घर के बाहर गेट को तुमने ब्लॉक कर दिया। और जब हमने प्रयास किया तो हमारे साथियों को सबको घर से उठा लिया गया। सबको डर एक ही बात का है, केजरीवाल जी की ईमानदारी का डर है। केजरीवाल जी ने जिस तरह से किसानों को समर्थन दिया, किसानों के आंदोलन का साथ दिया, उससे मोदी को बहुत खतरा और मोदी को लग रहा था कि केजरीवाल साथ देंगे इनके आंदोलन को खत्म करने में, लेकिन उल्टा हुआ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और चुकी वो संजीव ने छेड़ा हुआ था कि जो ये कानून बनाया गया आनंद फानंद में, मैं देख रहा था कि इसमें जो संविधान का प्रावधान है इसमें तीन लिस्ट होता है, लिस्ट वन जो सेंटर का लिस्ट है, लिस्ट टू जो स्टेट का लिस्ट है, और लिस्ट थ्री जो कंकरेंट लिस्ट है। इसमें जिन प्रावधानों के अंतर्गत ये कानून बनाया गया, जो आपका एक लॉ इनका प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, जो लॉ बनाया गया वो एंट्री 14, 18 और 46 की एंट्री स्टेट लिस्ट की, और एक एंट्री 7 जो कंकरेंट लिस्ट की है। एक भी आइटम लिस्ट वन का नहीं है। इन्होंने स्टेट के पावर्स के ऊपर असर किया है, इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर जो सरकार का है, जो संविधान देता है, जो बाबा साहब का दिया हुआ है, उसको इन्होंने खंडन किया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो एक बनाया फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फेसिलिटेशन एक्ट, वो एंट्री 28 का है, लिस्ट टू जो स्टेट लिस्ट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा एक जो बिहार वर्सेज कमलेश्वर सिंह जो जजमेंट था उसमें पावर ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मुद्दा उठा था और कहा था विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो इस सरकार ने ना संविधान की लाज रखी, ना देश की लाज रखी, ना फार्मर्स की लाज रखी, ना पूरे देश की जो स्वायत्तता है उसकी लाज रखी। तो ये कर क्या रहे हैं, इनकी एकमात्र दलाली हर तरफ से हम सब साथियों को शर्म आती है जब देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा है, अदानी एयरपोर्ट। लग रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये देश। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे हैं, हर कुछ, एयरपोर्ट भी अदानी का, रेलवे भी अदानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल शास्त्री जी ने उस वक्त कुछ पंजाब किसानों को कुछ भेजा था, कच्छ भेजा था कि भाई जाकर के वहां स्थिति ठीक करो, जरूर स्थिति ठीक कर दी। तो जब मोदी जी सीएम थे उस वक्त उनको वहां से भगाना चाहा, वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। फिर माननीय मोदी जब पीएम बन गए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भाई पंजाब के किसान गुजरात में ना रहे, ये है किसान का, कहते हैं हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अरे महोदय, मैं आज जो एक तीसरा कानून है भंडारण की लिमिटेशन, अनलिमिटेड भंडारण, और मैं अभी आपके सामने तीनों एक फाड़ूंगा क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं, मैं इससे बहुत आहत हूं, किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाणा किसानों की चिंता नहीं है, इनको बंगाल में चुनाव जीतना है उसकी चिंता है, एक क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों करोड़ों ले रहे हैं जिससे कि चुनाव हो सके। ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है,
सभी का पूरे देश का अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक करके फाड़ दूंगा। ये वो कानून है जिसमें कहता है भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय दूसरा कानून भी फाड़ के बता रहा हूँ, ये अहित नहीं चलेगा। मोदी जी ये केजरीवाल के साथी हैं, आपके तोता मैना सुग्गा से नहीं डरते हैं, लगा जाना जितना लगाना हो। सत्येंद्र भाई हंस रहे हैं कि लगाया था उनके पीछे तोता मैना सुग्गा, क्या क्या लेके आ गया साथियों। ये आपकी फिर ताकत है, हिंदुस्तान में किसी और पार्टी की ताकत नहीं है जो इतने हिम्मत दिखाए कि मोदी के सामने सच रख सके। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ अपने केजरीवाल साहब को परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। भारत में असली आजादी लेके आएंगे केजरीवाल, ये कैप्टन अमरिंदर से कुछ नहीं हो रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, जय हिंद। श्री मोहन सिंह जी बेस्ट।